महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर परिसर में आयोजित वृहद स्वास्थ्य मेला के साथ रविवार से महंत दिग्विजयनाथ आयुर्वेद चिकित्सालय एवं गुरु गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज प्रारंभ हो गया है। विश्वविद्यालय परिसर में एलोपैथ एवं आयुर्वेद दोनों चिकित्सा सुविधा एक ही भवन में एक साथ उपलब्ध होंगे। रविवार की वृहद स्वास्थ्य मेला में कुल 1650 रोगियों की निःशुल्क जांच हुई तथा उन्हें निःशुल्क दवा उपलब्ध कराई गई। मेले का उद्घाटन करते हुए महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल बाजपेयी ने कहा कि श्री गोरखपीठ के सेवा ही साधना अभियान के तहत स्वास्थ्य एवं चिकित्सा का एक बड़ा केंद्र आज से प्रारंभ हो गया है। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय परिसर आरोग्य धाम बनेगा। एलोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथ, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग सहित स्वास्थ्य चिकित्सा की सभी विधा एक साथ एक ही परिसर में उपलब्ध होंगी। यह केंद्र चिकित्सा का हब बनने जा रहा है। संस्थान सस्ती विश्वसनीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य मेला को संबोधित करते हुए गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय के ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर अवधेश अग्रवाल ने कहा कि महंत दिग्विजयनाथ आयुर्वेद चिकित्सालय विश्वसनीय जैसे सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा के साथ साथ यह केंद्र अत्याधुनिक चिकित्सा केंद्र होगा। गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय के CMS कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर CM सिन्हा ने कहा कि महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में प्रारंभ हो रहे आयुर्वेद चिकित्सालय के साथ मेडिकल कॉलेज की स्थापना लोक कल्याण एवं सेवा भाव से चिकित्सा सेवा का एक मंडल होगा, जिससे देश दुनिया में प्रेरणा ली जाएगी। महंत दिग्विजयनाथ आयुर्वेद चिकित्सालय के अधीक्षक एवं प्राचार्य डॉक्टर SN सिंह ने कहा कि हम आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा एवं एलोपैथ के सम्मिलित स्वरूप का मॉडल देने पर कार्य कर रहे हैं। स्वास्थ्य मेला में फिजिशियन डॉक्टर अभिषेक सेठ, डॉक्टर अंशु सिंह, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संतोष तिवारी, डॉक्टर AP त्रिपाठी, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिनीत श्रीवास्तव, डॉक्टर तुषार सिन्हा, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोनिका मिश्रा, डॉक्टर निहारिका शाही, पैथोलॉजी डॉक्टर आदित्य मणि, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर OP सिंह, डॉक्टर विराज कुमार, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी रावत, नाक कान गला विशेषज्ञ डॉक्टर आलोक अग्रहरी, डॉक्टर अर्पित श्रीवास्तव, आयुर्वेद में फिजिशियन डॉक्टर पिंकी, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आदित्य नारायण उपाध्याय, सर्जन डॉक्टर राकेश प्रसाद, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रीति कुमारी वर्मा सहित चिकित्सकों ने अपनी सेवा दी। गुरु श्री गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग की शिक्षिकाओं एवं छात्राओं के सहयोग से स्वास्थ्य मेला सम्पन्न हुआ। सर्वप्रथम मैं प्रज्वलित करके कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन कर दिया है। डॉक्टर अजय अग्रवाल भी प्रज्वलित करते हुए, डॉक्टर SN सिंह भी प्रज्वलित करते हुए, डॉक्टर कालेश्वर सिंह भी प्रज्वलित करते हुए, डॉक्टर BP सिंह प्रज्वलित करते हुए। फाउंडर लोग काम करते हैं, उनके ट्रेनिंग के लिए, जिनको फार्मेसिस्ट कहते हैं, उनके ट्रेनिंग के लिए भी कॉलेज खुल रहा है। जो ऑपरेशन थिएटर में टेक्नीशियन काम करते हैं, उनके ट्रेनिंग का भी यहाँ पे खोला जा रहा है, कॉलेज खोला जा रहा है। जो एक्सरे में टेक्नीशियन जा रहा है, और आने वाले 1-2 वर्षों में यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज भी आने वाला है, जिसके कि बच्चे पढ़ करके 4-5 साल में पूर्ण विकसित डॉक्टर हो करके आप लोगों की सेवा कर सकेंगे। ये एक बहुत बड़ी सोच है महाराज जी की, और उस सोच के आधार पर ये कार्य किया जा रहा है। साबिकी के तौर पे आपको बता दूं कि आप लोगों ने गोरखनाथ मंदिर के चिकित्सालय का नाम सुना होगा, गोरखनाथ अस्पताल का नाम सुना होगा। वो गोरखनाथ अस्पताल 2003 में 16 जुलाई 2003 को प्रारंभ किया गया, और उसका उद्घाटन उस वक्त जो उप प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री थे
माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने उसका उद्घाटन किया था और ये पुलकित और होता गया, पल्लवित होता गया और अब उसमें 350 मरीज हैं और हम लोगों को कभी कभी ये होता है कि सारे बेड भर जाते और वो बहुत अच्छी सेवाएं प्रदान कर रहा है वो चिकित्सालय। वहां पे सस्ती सेवा है, विश्वसनीय सेवा है और गुणवत्ता पूर्वक सेवा, यानी कि मरीज के इलाज का बेहतर से बेहतर तरीका वहां पे है। फिर महाराज जी ने कहा कि नहीं, सिर्फ हम गोरखनाथ चिकित्सालय तक सीमित नहीं रहेंगे, हम स्वास्थ्य मेले करेंगे चिकित्सालय के परिसर में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि पहला स्वास्थ्य मेला 2 फरवरी, 3 फरवरी और 4 फरवरी को गोरखनाथ बड़ा स्वास्थ्य मेला रहा होगा और उसके बाद से अब तक इन लाइन में आप आइए, बिना लाइन के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ। लाइन में आइए, लाइन में क्यों जाएंगे सबका कब से हो रहा है? 2 दिन से। काम बेहतर तो नहीं है? ठीक है, पानी तो नहीं आता? काम से पानी तो नहीं आता? हाँ हाँ, पानी पानी आता है, पानी नहीं आता। क्या आँख दिखाना है क्या? हाँ, ये बंद हो गया। दादी तो हाँ चला बुलाई।